ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे ही गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस आप लोग जो अभी इजीली वीडियो देखने वाले जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइज आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइज, आप लोगों को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी को जाना है ऐसे ऐड फोटो में, एंड गाइज ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से आप सभी को मॉडल को अपने ऐड करना है। एंड गाइज मॉडल को ऐड करना है गाइज, बस अब वही नहीं करना है, अब इसमें आपको कुछ चेंजेस भी करने, तो वो लोग आप वो चीज़ आप ध्यान से देखना। पहले गाइज आप मॉडल को यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे बैठा देना, ठीक है गाइज। उसके बाद आप सभी को इसमें शेडो बनानी है, शेडो बनानी है, कैसे बनानी है वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप इस चीज़ को ध्यान से देखो, पहले आपको अपने मॉडल का डुप्लीकेट करना है, देन आपको उसको सेम साइज में वैसे ही रख देना है। फिर उसके बाद आपको चले जाना है इफेक्ट में, इफेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे कलर्स के ऑप्शन में चले जाना है, जैसे कि गाइस मैं पहले से ही हूँ। फिर उसके बाद आपको ब्लैक एंड व्हाइट लेना है, इसका अमाउंट आपको जीरो करके मर्ज कर देना है, उसके बाद कर देना डन। देन आपको जाना है इरेजर टूल में, इसको करना इन्वर्ट, ब्रश लेना, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज इंक्रीज करना है, ओपेसिटी हार्डनेस कम करना है, एंड फोटो को जूम करना है, नीचे से इस तरीके से पेंट करना है, ठीक है। इस तरीके से इसलिए करना है कि गाइस इस तरीके से करने से जब हम शैडो बनाते हैं तो गाइस शैडो जो है रियलिस्टिक बनती है। तो अभी आपको देखो मैं बताता हूँ, तो आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से आपको जाना बैकग्राउंड वाले ऑप्शन में, फिर यहाँ से ब्लैक कलर का बैकग्राउंड लेना है, देन आपको कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको फिर करना, आपको उसका साइज इंक्रीज करना है, नीचे के साइड में लाके इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट कर देना है, ब्रश लेना है, ब्रश को लेने के बाद आपको साइज इंक्रीज करके आपको फोटो को जूम करना है, एंड उसके बाद आपको जहाँ पे शेडो चाहिए वहाँ पे आपको कुछ इस टाइप से पेंट कर देना है, ठीक है इस तरीके से। एंड उसके बाद डन करना है, एंड उसके बाद आपको उसको मूव डाउन कर देना है, एंड उसके बाद जो आपको उसकी ओपेसिटी जो यहाँ पे कम कर देनी है, ठीक है। तब गाइस देखिए हमारी जो शेडो जो हमारे बॉडी से मैच हो चुकी है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ पे ऐड फोटो में जाके मतलब माइक का जो पीएनजी जो हमें अपने हैंड में पकड़ाना है तो उसको हम ऐड करेंगे यहाँ से। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको गाइस यहाँ पे इरेज भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको डायरेक्टली जो आपके हैंड में फिट हो जाएगा। वो कैसे करना है, आपको यहाँ पे अपनी फोटो को जूम करना है, देन आपको इस पीएनजी को ऐसे ले जाना है, ठीक है, अपने माउथ के पास। एंड जब आप इसको इस तरीके से ले जाओगे, जब आपको लगे कि हाँ इस जगह पे फिक्स है, तो आपको सिंपली वहाँ पे जो है इसको एकदम फिक्स कर देना है, ठीक है, इस तरीके से जैसे कि इसमें लगा रहा हूँ, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको इसमें और भी चीज़ें करनी है, जैसे कि आप इसे पहले मूव डाउन कर लेना, मूव डाउन करने के बाद जो आप इसको कुछ इस टाइप से नीचे के साइड में ले जाना थोड़ा सा इस तरीके से, एंड यहाँ पे जो इतना परफेक्ट है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे गाइस मैं दिखाता हूँ आपको जो है मतलब कि एकदम अच्छे तरीके से लगाए कि नहीं लगाए, तो यहाँ पे मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस यहाँ पे हमारा जो पीएनजी ये भी लग चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कर देना है यहाँ पे फोटो को डन। इतना हो जाने के बाद आपको जाना ऐड फोटो में, ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से ऐड करना आपको एक विग्नेट का पीएनजी, इसको ऐड कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे फिर सिंपली फुल स्क्रीन करके इसको ऐड कर देना है, एंड उसके बाद आपको अपनी फोटो कर देना है डन, ठीक है, फोटो कर देना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे अपनी फोटो को सेव कर लेना है, क्योंकि इसमें रिटच भी करना भी हमें, तो इसको सेव कर लेंगे, एंड इसको लेकर चलेंगे हम लाइट रूम ऐप में। तो लाइट रूम ऐप को हमने ओपन कर लिया, एंड यहाँ पे फोटो को भी पहले से ऐड कर रखा है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट जाएंगे इस लाइट वाले ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट जो है हम इसका इंक्रीज करेंगे, हाईलाइट जो है जिसको हम इनके यहाँ पे माइनस कर देंगे, एंड जो शेडो है इसको हम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, एंड जो व्हाइट है इसको यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे, एंड जो ब्लैक है ब्लैक को इंक्रीज कर देंगे। फिर चले जाएंगे हम कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, एंड जाएंगे कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, सैचुरेशन हम इसका माइनस कर देंगे, लूमिनस इसका हम बढ़ा देंगे। फिर उसके बाद चले जाएंगे हम यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे येलो कलर में, इसका हम यहाँ से जो थोड़ा सा यू प्लस कर देंगे, सैचुरेशन प्लस कर देंगे, एंड चले जाएंगे यहाँ से डायरेक्ट डार्क ब्लू में, डार्क ब्लू में जाने के बाद ह्यू माइनस करेंगे, सैचुरेशन प्लस करेंगे, एंड फोटो करेंगे डन। एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से हम नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज करेंगे, फोटो में विग्नेट डाल देंगे हल्का सा, एंड नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे मिलेगा हमें ग्रेन अमाउंट, हम इस पर बढ़ा देंगे, एंड फिर जाएंगे हम नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद यहाँ से हम फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करेंगे, फोटो में नोट ऑप्शन बढ़ा देंगे, एंड स्क्रीन से जो कलर नोट ऑप्शन हम इसको भी बढ़ा देंगे। तो फाइनली हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चले मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।